नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी का ये सेशन प्रैक्टिस सेट 3 है, जिसमें जीव विज्ञान के कुल 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूँ, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सही 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि वीडियोज़ को बनाने में काफ़ी सारा मेहनत का और हमारे एफर्ट्स लगते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन का कंपाइलेशन करने में भी हमारा सारा एफर्ट जाता है। तो डेफिनेटली आप उसको अप्रिशिएट करेंगे और वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। आज मैं इसे पहले ही बता दे रहा हूँ क्योंकि बहुत कम लाइक आ रहे हैं, लोग शेयर कम कर रहे हैं। तो देखिए, अगर वीडियो डेफिनेटली अगर आप देख रहे हैं तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न को। और पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि हेमाटोलॉजी का अध्ययन से संबंधित है। हेमाटोलॉजी जो होता है वो किसके अध्ययन संबंधित है, ये आपको बताना है। तो देखिए, इसमें नाम में ही छिपा हुआ हिम, हीम से क्या नाम आता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन होता है कहाँ पे, रक्त में। तो कहीं ना कहीं ये रक्त से संबंधित अध्ययन होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि उस बिंदु का क्या नाम है जिस पर क्रोमोजोम्स में क्रोमेटिक जुड़ते हैं, है ना। तो क्रोमोसोम्स में जब क्रोमेटिन जुड़ते हैं, कहाँ पर जुड़ते हैं, उस बिंदु का नाम बताना है। तो वो होता है सेंट्रोमियर। देखिए, मैं जो है ना टॉपिक को चेंज कर करके क्वेश्चंस लेकर के आता हूँ, कभी जीव विज्ञान से, कभी सामान्य ज्ञान से और कभी राज्य व्यवस्था से संबंधित है। तो हर एक एस्पेक्ट को मैं यहाँ लेके चल रहा हूँ, ताकि जो भी आपका, जैसा पता है कि मार्च में आपका पेपर होने वाला है, तो आप उसको एक तरीके से प्रिपरेशन कर सकें, जो भी आपने अभी तक पढ़ाई की है। एक अच्छी प्रिपरेशन या आपको एग्ज़ाम में एक अच्छे नंबर लेकर आने में मदद कर सकती है। तो आप इनको प्रिपरेशन करें हमारे साथ, इनको सॉल्व भी करते चलें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, मॉर्फोलॉजी क्या है। और ये जो क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट अलग से भी क्वेश्चन हैं। तो इन सभी प्रश्नों को मैंने संकलित एक साथ में किया है। इससे क्या होगा कि आपको पता है कि रेलवे में कई सारे पेपर्स होते हैं, और उन सभी पेपर में कई सारे क्वेश्चन जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड होते हैं, और वो लेवल भी लगभग सेम ही होता है। तो ऐसे में इन प्रश्नों को अगर आप करते हैं तो आपको अपना लेवल भी पता चलेगा और कई सारे क्वेश्चंस का एक बैंक आपके पास तैयार होगा, जिसकी वजह से आप आने वाले सभी प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर मॉर्फोलॉजी क्या है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो आप इसे बताइए कि मॉर्फोलॉजी क्या होता है। तो देखिए, जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों के अध्ययन को हम लोग मॉर्फोलॉजी कहते हैं, ठीक है। आगे प्रश्न पूछा गया है कि रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरने के लिए बात कही गई है, यदि एक पौधे का समजीनी यानी जीनोटाइप TTRR है, तो समलक्षणी यानी कि फिनोटाइप क्या होगा। तो देखिए, फिनोटाइप जो उसका होगा बौना और गोला होगा, यानी कि उसका जो भी फ्रूट बनेगा वो बौना और गोला बनेगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस में मनुष्य का अध्ययन होता है, मनुष्य से संबंधित जो अध्ययन होता है उस स्टडी को हम लोग कहते क्या है। तो उसे हम कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे प्रश्न पूछा गया है कि जंतु विज्ञान की समाजशास्त्र किस शाखा से मानव का जाति के से अध्ययन गहरा संबंध है। तो मानव जाति के, देखो जंतु विज्ञान में मानव भी आता है, जंतु विज्ञान में जानवर आते हैं, मानव भी आता है। तो मानव विज्ञान जहाँ पे पढ़ी जाती है उसे हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो पता ही होगा कि आपको कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, और जब 46 गुणसूत्र फादर और 46 गुणसूत्र मदर के, तो इन दोनों में से आधा आधा, मतलब 23 फादर के और 23 मदर के मिलकर के एक बेबी का निर्माण करते हैं, और ये भी 46 बन जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर है। आगे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मुंह की परत डैश से बनी होती है, जो हमारा माउथ होता है उसकी जो परत होती है वो किसके द्वारा बनी होती है। तो ये स्क्विमाउस एपिथेलियम की बनी होती है, यानी पपड़ीदार उपकला से बना होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययनों को किस नाम से जानते हैं। तो सिंपल है, निषेचन, विकास, विभाजन, ये सब किस चीज़ों में होता है। निषेचन कहाँ पर होता है, भ्रूण में होता है, यानी भ्रूण विज्ञान यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न पूछा गया कि गुणसूत्र किससे संबंधित है। गुणसूत्र यानी कि क्रोमोजोम्स, और ये क्रोमोजोम्स ही होते हैं जो मनुष्यों में, उनके बेबी में, उनके पेरेंट्स के लक्षण को डिसाइड करते हैं, यानी अनुवांशिक लवणों से संबंधित होते हैं। यानी एक पेरेंट्स की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो बेबी में भी चली जाती है, ये गुणसूत्रों से ही निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है। चलिए
आगे प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण, यहाँ पे अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य है? अर्धसूत्रण क्या होता है? तो देखिए आपको बता दूं कि अर्धसूत्रण, जैसे मैंने अभी बताया था कि अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोष में गुणसूत्र की संख्या नहीं दोगुनी नहीं होती है, ये गलत है। इसके दो चरण होते हैं, ये भी गलत है। अर्धसूत्रण के दौरान जनक कोषों के जीन परमाणिक कोषों में मिश्रित होते हैं, ये भी गलत है। जनन ग्रंथि में अर्धसूत्रण युग्म के उत्पादन के लिए होता है, तो अर्धसूत्रण युग्म के उत्पादन के लिए होता है, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है, तो पादप में जो सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व होते हैं वो कौन सा होता है? तो कार्बन, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न पूछा गया है कि जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? तो अगर हम डीएनए की बात करें तो आपको पता होगा इसका मतलब होता है डाई राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रश्न पूछा गया है कि यहाँ पर किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? ठीक है, कोशिका का मास्टर कहने का मतलब जो कोशिका को कंट्रोल करता है, उसके सृजन में भाग लेता है, उसके जो भी ग्रोथ होती है उसमें पार्टिसिपेट करता है, तो ये क्या होती है? नाभिक होती है। नाभिक जी होता है, कोशिका को कंट्रोल करता है, उसी की वजह से उसके अंदर जो भी प्रक्रियाएँ होती हैं वो शामिल होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पूछा गया है, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? तो देखिए, किसी भी कोशिका में मौजूद जो सबसे बड़ा कोशिकांग होता है वो उसका नाभिक होता है, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? यानी कि जिस कोशिका में प्रोटीन जहाँ बनता होगा उसे ही उसका कारखाना बोला जाएगा, तो ये जो ऑप्शन है राइबोसोम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बना होता है? तो देखिए, हमारे बॉडी में लगभग 70% क्या होता है? पानी होता है। तो हमारे बॉडी का जो महत्वपूर्ण जो हिस्से होते हैं वो पानी से ही बने होते हैं, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रश्न पूछा जा रहा है, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है, तो आपने बताया था आधा माता का और आधा पिता का, सब 23-23, ठीक है, 23-23, तो ये आधा आधा होता है, यानी कि अपने जीन का आधा हिस्सा, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग कोशिका में पाया जाता है? तो कोशिका में कौन सा कोशिकांग पाया जाता है? तो ये होता है, आपको बता दूँ कि लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न यहाँ पे पूछा गया कि उत्तक क्या होता है? जैसे आपने जिसे टिश्यू बोलते हैं, तो देखिए सेल को मिलने से टिश्यू बनता है, कई सारे सेल यानी कि जो कोशिकाएं होती हैं उनसे मिल करके उत्तक का निर्माण होता है, तो यहाँ पर वो आंसर हो जाएगा जिसमें कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में भी समान होती हैं, ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रश्न पूछा जा रहा है कि हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? तो देखिए, हमारे बॉडी में जो सबसे बड़ा अंग होता है वो त्वचा होता है, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न यह पूछा गया है कि निम्न में से क्या मैक्रो पोषक तत्व नहीं है? तो देखिए, मैक्रो पोषक तत्व क्या नहीं है? तो वो है विटामिन, है ना, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे पूछा गया है कि डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, प्रोटीन की जानकारी कौन प्रदान करता है इसके बारे में आपको बताना है, तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जीन जो होता है वो डीएनए के प्रोटीन के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त होते हैं, उदाहरण के लिए शरीर में मांसपेशियों की कोशिकाएं उन मांसपेशियों को बनाती हैं जो शरीर की गति से संबंधित है, को क्या कहते हैं? तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया था इनको हम उत्तक बोलते हैं, उत्तक जो होते हैं संरचना में और कार्य में समान होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया कि रक्त क्या है, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, तो इसका कमेंट बॉक्स में करिए, और जो भी स्टूडेंट इसका सही आंसर देंगे उनका नाम मैं अपने आगे आने वाली वीडियो में जरूर रिप्रेजेंट करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन, ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो अभी तक आपने इस वीडियो को देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, हमारी मेहनत हमारी एफर्ट्स को इंस्पायर करिए और फ्रेंड के साथ शेयर करिए, था चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप जरूर से सब्सक्राइब करिए। ठीक है,
चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।